नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के क्लीन स्वीप के चलते मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का रुतबा बढ़ा है। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के 5 सांसदों को जगह मिली है। कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधा गया है। एमपी में आदिवासी वोट सबसे महत्वपूर्ण है और मंत्रिमंडल में इसीलिए 2 आदिवासी चेहरों को जगह दी गई है। सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके को जगह देकर मालवा और महाकौशल में संतुलन बनाया गया है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं। इन्हें जगह देकर मध्य और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में संतुलन बनाया गया है। इसके साथ ही वीरेंद्र खटीक को भी कैबिनेट में जगह देकर एससी वोटर्स को संदेश दिया गया है। एससी चेहरे के तौर पर वीरेंद्र खटीक को तीसरी बार मंत्री बनाकर बुंदेलखंड में संतुलन बनाया गया है। तो टीम मोदी में एमपी का कद बड़ा है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, यहां सभी संतुलनों को ध्यान में रखते हुए मौका दिया गया है। पहली बार 2 आदिवासी चेहरे इस कैबिनेट का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से आदिवासी वोटर्स की निर्णायक भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ऐसे में इसीलिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद ही ये लक्ष्य बीजेपी नेताओं की ओर से साफ कर दिया गया था कि 29 की 29 लोकसभा सीटें हासिल करेंगे और ऐसा कर दिखाया। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब रही और छिंदवाड़ा से भी बीजेपी ने जीत हासिल करके 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया, क्लीन स्वीप किया। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मोदी कैबिनेट में एमपी का कद बड़ा है। 5 सांसदों को टीम मोदी में जगह मिली है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और संघ की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। वहां की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर विश्वास दिखाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में भले ही बीजेपी को सीटों का नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने न सिर्फ क्लीन स्वीप किया बल्कि वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। हालांकि वोट प्रतिशत जितना बढ़ाने का दावा चुनाव से पहले किया गया था, उतना परिणाम में नतीजा सामने नहीं आया है, उतना वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, लेकिन 29 की 29 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। एमपी प्रधान किस तरह से हुआ है टीम मोदी में, इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजपाल सिसोदिया जी, जितेंद्र मिश्रा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सरमन नगेले जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रदीप जोशी जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे सियासी मेहमान हैं उनका बाद में रुख करेंगे, लेकिन सरमन नगेले जी, आप किस तरह से देखते हैं टीम मोदी में जिस तरह से मध्य प्रदेश के सांसदों को जगह दी गई है? देखिए अपना, ये मध्य प्रदेश के सांसदों को जो जगह दी गई है, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि ये है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से सांसद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सबसे बड़ा कद बढ़ गया उनका। कैबिनेट मंत्री में सीधा पार्टी अध्यक्ष के तुरंत बाद उन्होंने ओथ ली, यानी कि 5वें नंबर पर ओथ लेना अपने आप में यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश का सेंट्रल की बीजेपी और सरकार की पॉलिटिक्स में दबदबा बहुत हाइट पर पहुंच गया है। एक समय था जब मध्य प्रदेश से अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे और वो सरकार के नंबर 2-3 कहे जाते थे, लेकिन जिस प्रकार से माननीय शिवराज जी को महत्व मिला है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि पत्रकार के नाते अर्जुन सिंह जी के बाद देश की राजनीति के लिए मध्य प्रदेश के चाणक्य के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी उभर कर निकले हैं। इसके पहले डीपी मिश्र का उल्लेख हुआ करता था और उसके बाद में अर्जुन सिंह जी का। अब जहाँ तक ये जो 5ों के जो कैबिनेट में शामिल करने की बात है, तो इसमें जिनको विभाग मिल सकते हैं, वो मेरे को ये लगता है कि माननीय शिवराज जी को एग्रीकल्चर देंगे, क्योंकि वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास था और दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और वो कृषि के लिए काम भी करते रहे।
माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो विभाग था, मेरा ऐसा मानना है कि संभवतः वो उनके पास में वैसे ही के वैसे रह गए, क्योंकि वो कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें किसी की उसमें बहुत ज़्यादा नज़र हो या बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उसमें कोई ज़रूरत महसूस होती हो। बीरेंद्र खटीक जी के पास में भी जो विभाग था वही का वही विभाग मेरे को लगता है, क्योंकि वो भी कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली या बड़ा ऐसा विभाग नहीं था। और जो दो राज्य मंत्री शामिल किए सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके, राज्य मंत्रियों के पास बहुत ज़्यादा कोई काम करने के लिए कुछ रहता नहीं है, उनके पास कोई अधिकार नहीं रहते हैं सिवाय कि वो पार्लियामेंट में मंत्री या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में सदन के भार साधक मंत्री हो जाएं और उनके जो विभाग हैं उनका वो उत्तर देते रहें या जो बहुत छोटे काम होते रहते हैं वो करते रहें, लेकिन वो कैबिनेट में कोई बड़ा निर्णायक भूमिका में आते हों या कोई विभाग चलाने में निर्णायक भूमिका में आते हों ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अब चूंकि पांच मंत्री बने हैं तो इसमें जाति संतुलन भी रखा है कि देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ओबीसी, हालांकि वो ओबीसी का लाभ नहीं लेते, ओबीसी लिखते नहीं लेकिन ओबीसी हैं वो, और इसके बाद एक शेड्यूल कास्ट को बनाया जो बुंदेलखंड से हैं और दो शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो एक के बैतूल से दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर धार से, लेकिन यहाँ पर पूरा महाकौशल छूटा है, यहाँ पर पूरा आप कह सकते हैं कि विंध्य प्रदेश छूटा हुआ है और मालवा भी आप पूरी तरीके से कह सकते हैं, सिर्फ मध्य भारत और ये आपका चंबल और आपका जो भोपाल डिवीजन से लगा हुआ है बैतूल और थोड़ा मालवा से में भी थोड़ा सा वो जो धार का जो एरिया है वो, लेकिन नेमार पूरा छूटा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता कि मध्य प्रदेश के खाते में पार्टी अध्यक्ष का पद आ जाए। जी अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद जो पद खाली होगा मध्य प्रदेश के खाते में, हो सकता है कि वो पद चला जाए। प्रदीप जोशी जी, एक आपका रिएक्शन जो जिस तरह से कैबिनेट का गठन हुआ है उसमें एमपी का रोल, और दूसरा इसी बात पर रिएक्शन भी कि क्या मध्य प्रदेश का कोई नेता हो सकता है जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। जब ये मंत्रिमंडल के गठन की हम जब नजर डालते मध्य प्रदेश के ऊपर, तो बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये नाम डिसाइड किए हैं। और जैसे मालवा निमाड़ की बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे, तो उसमें ये एक चीज निकल के आ रही है कि धार सीट से अभी तक आदिवासी चेहरे के रूप में फग्गन सिंह कुलस्ते हुआ करते थे, अब आदिवासी महिला के रूप में सावित्री ठाकुर को आगे किया गया है। इसके जरिए धार, खरगोन, खंडवा और रतलाम, ये चार आदिवासी बेल्ट हैं जहां पर हर किसी भी प्रकार की लहरों विधानसभा सीटों में कांग्रेस यहां से लीड करती रही है, तो उधर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा ये दुर्गादास उइके है, तो उनको बैतूल के जरिए थोड़ा सा महाकौशल कवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि जयस का जो प्रभाव है उसको घटाया जा सके और आदिवासी बेल्ट में इन दो नए चेहरों के जरिए एक नई टीम को उभारा जा सके, खासकर महिला आदिवासी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। तीन नाम जो प्रमुख हैं, जो शिवराज जी और सिंधिया जी और वीरेंद्र खटीक जी, ये बहुत अनुभवी नेता हैं और इन्हें इनके सीनियरिटी के मान से ही स्थान दिया गया है और पोर्टफोलियो भी शायद इनके सीनियरिटी के मान से ही दिए जाएंगे। जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर एमपी से हो तो किस पर जाती है आपकी नजर? काफी मतलब एक बड़ा सवाल है ये, मध्य प्रदेश से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आएगी तो पहला नाम नरेंद्र सिंह तोमर साहब का है, पर वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और या फिर किसी एक नए नाम के ऊपर कोई और विचार किया जाए। ठीक है ठीक है। राजपाल जी, 29-0 का जो आपका रिपोर्ट कार्ड रहा, काफी पीठ थपथपाई गई बीजेपी की, और एमपी का कद भी बड़ा है अगर टीम मोदी की बात की जाए मोदी कैबिनेट के अंदर, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से ये हमला भी बोला गया इस बात को लेकर कि देखिए बहुत कुछ मिल सकता था लेकिन यहाँ सस्ते में ही टाल दिया गया है। देखिए, गुलकिस कमल की माला
मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने, विशेष करके वीडी शर्मा जी और डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरे संगठन ने मिलकर मोदी जी को भेंट करने का काम किया है, अर्थात 29 सांसद मध्य प्रदेश ने जीता कि मोदी जी की सरकार में मजबूती देने का काम किया। तो ये एक गिफ्ट जब मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से मध्य प्रदेश के नेताओं ने ले जाकर मोदी जी को भेंट किया, तो उन्होंने भी रिटर्न गिफ्ट में मध्य प्रदेश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का काम किया। मध्य प्रदेश के को जो नेतृत्व मिला है मंत्रिमंडल के अंदर, वो सर्वस्पर्शी नेतृत्व मिला है, सर्वव्यापी मिला है, बहुत संतुलित नेतृत्व मिलने का काम हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे पास जो बेहतर था उसमें से जो बहुत बेहतर हो सकता था वो मोदी जी ने वापस रिटर्न करा है मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश को समर्पित किया है। मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, और हमारे पांचों नव नियुक्त जो शपथ लिए हुए मंत्रीगण हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अब नई भूमिका में होंगे, बड़ा लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश को उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले से मध्य प्रदेश को एविएशन के माध्यम से कई सारी सौगातें दे चुके हैं, और आने वाले समय में भी अगर यही मंत्रालय उनके पास रहा तो देंगे, और ये नहीं भी रहता और नया भी कोई मंत्रालय मिलता है तो निश्चित तौर पर उस मंत्रालय के माध्यम से भी माननीय सिंधिया जी मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने का की तमन्ना रखते हैं, का मन रखते हैं वो मध्य प्रदेश के ऊपर। इसी प्रकार से खटकी हमारे जो आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी है, वह वीरेंद्र कुमार खटीक जी का भी पिछला दो बार का कार्यकाल आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत विशेष उपलब्धि वाला उनका कार्यकाल रहा है। और दो नए साथी और जुड़े हैं, दुर्गादास उइके जी शिक्षक थे, शिक्षक से राजनीतिक में आए, हाईली एजुकेटेड है और एक आदिवासी वर्ग के अंदर बहुत जमीन के की पकड़ रखते हैं, बिल्कुल एक ग्रास रूट की जिसको हम कहेंगे झोपड़ी झोपड़ी तक और खोपड़ी खोपड़ी तक उनकी पकड़ है। ऐसे व्यक्ति को भी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का स्थान मिलने का काम हुआ एक मंत्री के रूप में, उसका लाभ भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। और सावित्री जी तो जनपद पंचायत जिला पंचायत की अध्यक्ष लेकर गांव गांव की राजनीति से वाकिफ है, वो एक ऐसी महिला है जो जिनसे मिलके सहज से लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी अब तो मंत्री हो गई है, पर उनका रहन सहन बोली चाली सरलता का ही यहां पर सराहा गया, इसीलिए कैबिनेट का हिस्सा बनी है। जितेंद्र मिश्रा जी, महिला सांसद को मौका मिल गया, ओबीसी चेहरे को मौका दिया गया है, दलित चेहरे को मौका दिया गया है, और क्या चाहिए था कांग्रेस को यहाँ पर? एमपी का तो कद बढ़ा ही है ना अपर्णा जी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित पत्रकार आदरणीय सरवन नगेले जी यहाँ उपस्थित हैं, आज उनका जन्मदिवस है, मैं आपके माध्यम से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर, हैप्पी बर्थडे। दूसरी चीज जितेंद्र जी ने माहौल को बिल्कुल बिल्कुल ही बदल कर रख दिया आपने सरमन सर का बर्थडे बताकर, राजपाल जी मुस्कुरा उठे हैं। माहौल भी आज 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 वैसे भी ज्यादा आलोचना करने का दिन नहीं है, सिर्फ अपनी पीड़ा जाहिर करने का दिन है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। मेरी पीड़ा यह है कि मध्य प्रदेश को ज़्यादा मिलना चाहिए था, मध्य प्रदेश को कम मिला है। मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को वो दिया है जो देश का कोई भी प्रदेश नहीं दे सकता, निश्चित तौर पर इसका आभार मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दे करके प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। आज कंजूसी की गई केंद्र सरकार की तरफ से, आज मध्य प्रदेश के वो पिछड़े जिले वो पिछड़े अंचल जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बात महाकौशल की जाए, बात बिंद की जाए या बात मालवा की जाए, इनमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत थी जिससे मध्य प्रदेश के विकास को पंख लग सके, लेकिन मुझे ये दुख है कि ये नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 8 मंत्री अगर बनाए जाते तब जाकर के संतुलन बनता। ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व दिया, SC ST को भी दिया, बेहद खुशी की बात है, लेकिन जो ओबीसी के नाम पर राजनीति करते हैं, जो क्रीमी लेयर से आते हैं, उनको आपने ओबीसी के रूप में शामिल किया है, ये बेहद दुखद है। निश्चित तौर पर ओबीसी उस वर्ग का खांटी प्रतिनिधि जिसकी आर्थिक स्थिति का भी दृष्टिगत रखते हुए लिया जाना चाहिए था। एक चीज़,
दूसरी चीज अभी मैं सुन रहा था कि एक आदिवासी महिला को मंत्री बना करके आदिवासी महिलाओं को संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ असहमति व्यक्त करता हूँ। आप ये बताइए कि राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला को बैठा दिया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हुई इस देश में सारे लोगों ने देखा है। इसलिए एक मंत्री बना करके आप अगर ये कहते हैं कि सारी आदिवासी महिलाओं को संदेश दे दिया गया, मुझे लगता है ये गलत नहीं है, आपको विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी को प्रतिनिधित्व और सही प्रतिनिधित्व धरातल पर और जमीन पर देने की जरूरत है। एक मंत्री बनाने से मध्य प्रदेश का आदिवासी संतुष्ट नहीं होगा, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो बुनियादी समस्या है उनको लेकर के काम करने की जरूरत है। रहा शिवराज सिंह जी का, आपने कहा कि शिवराज सिंह जी को मंत्री बनाया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये गठबंधन की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार होती तो शिवराज सिंह जी का नंबर 10वें नंबर पर लगता जा करके। ये तो भगवान भला करे कि इस देश की जनता ने गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया है, इसलिए आज असंतोष की पहचान हो रही है। वरना शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री के संबंध इतने अच्छे नहीं है कि 5वें नंबर पर शपथ दिलाई जा सके। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा आपके माध्यम से। अब सवाल है मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मौका खो दिया है अपर्णा जी। अगर अगर बनना था तो इन्हीं में से बनना था। शिवराज सिंह चौहान अकेला वो शख्स है जिसको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हो या होड़ में हो या केंद्रीय नेतृत्व की नजर में हो। निश्चित तौर पर सुन ली आपने पीड़ा, बहुत दुख है कांग्रेस को। सामान्य वर्ग से कोई नहीं लिया आपने, ओबीसी वर्ग से जिसको लिया तो वो तो उसमें श्रेणी में आते ही नहीं है, वो तो महाराज हैं। देखिए कांग्रेस को दुख इसलिए है, कांग्रेस की पीड़ा इसलिए झलक रही है कि मेरे मित्र जो है मिश्रा जी, वो इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के चश्मे से देख रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कि एक वैचारिक टेडर बेस्ड राजनीतिक संगठन है, आइडियोलॉजी बेस्ड मॉस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस आइडियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, हमारी कार्य पद्धति के हिसाब से देखेंगे, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के लिए जो रिटर्न गिफ्ट दिया है वह पर्याप्त है और हमारे पार्टी के संविधान अनुरूप है, हमारी पार्टी की रीति नीति अनुरूप है और निश्चित तौर पर इस निर्णय से पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में खुशी और हर्ष की लहर है। और बताइए कि क्या आपके यहाँ भी अंदर खाने ये हलचल है क्या कि मध्य प्रदेश से कोई नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? कुछ तो हिंट दीजिए। वोट किया मोहन यादव जी को विधायक बनाने के लिए, हमने भी कल्पना नहीं की थी, यहाँ तक कि मोहन जी के साथ हम उठते बैठते थे उनके दिमाग में भी कल्पना नहीं थी कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग जब चुनाव के बाद में साथ में थे तब भी यही बात होती थी, वो उच्च शिक्षा मंत्री थे और फिर नई सरकार में मंत्री बनेंगे, ऐसा सबका अनुमान था, इवन उनका खुद का भी यही अनुमान था, परंतु क्या बने वो, आपने हमने सबने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अच्छा, तो के पास पहुंच सकते, ठीक है, ये बात जिसने शुरू की उन्हीं के पास चलती है। सलमान अकेले सर, सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब सर वही सवाल, क्या पर्ची किसी के पास भी पहुंच सकती है या ये अंदर खाने डिसाइड हो चुका है कि किसके पास पर्ची पहुंचनी है? देखिए प्रबल संभावना तो, जैसा कि कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी बहुत योग्य थे लेकिन अभी भी उनके यहाँ योग्य हैं जो संगठन और संघ के बहुत नजदीक हैं। जैसा कि यहाँ पर एक बड़ी खबर इस समय की आ रही कि थोड़ी ही देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा, मोदी कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर। कल ही मंत्रियों ने शपथ ली है, अब उनको उनके उन पोर्टफोलियो बता दिए जाएंगे, ऐलान हो जाएगा बस थोड़ी देर में कौन सा मंत्री कौन सा पोर्टफोलियो संभालेगा ये साफ हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 5वें नंबर पर शपथ ली थी, वो उनके पास कौन सी जिम्मेदारी जाती है, कौन सा मंत्रालय उनको मिलता है, नजर सभी की इसी बात पर भी लगी हुई है और थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाएगा कि मंत्रियों को कौन सा पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है। सरमन सर, देखिए अपर्णा जी, मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी अध्यक्ष जो है ना, एक समय देखिए कि बंगारू लक्ष्मण पार्टी अध्यक्ष बने थे,
तो मेरा ऐसा मानना कि संभवतः हो सकता है कि पार्टी ने यदि कुछ विचार किया हो तो फग्गन सिंह कुलस्ते पार्टी अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया और वो चूंकि आदिवासी वर्ग से आते हैं और वो पहले भी आदिवासी जो उनका मोर्चा है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं लंबे समय तक, तो एक उनका नाम है। बाकी ये भी संभव है कि किसी महिला को इस बार भारतीय जनता पार्टी पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनको सुशोभित करे, ये मेरा अपना निजी मानना है। देखिए जहाँ तक ये जो बात आ रही है कि उनके जो राज्यों के समीकरण की, तो देखिए मध्य प्रदेश को उतना पर्याप्त मिल तो गया है, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि राज्यमंत्री के पास में कोई अधिकार नहीं होते, राज्यमंत्री कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता, कैबिनेट मंत्री। अब मैं एक संदर्भ और दे रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी को शामिल करने के संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी को इसलिए पांचवें नंबर पर शपथ दिलाई कि शिवराज सिंह चौहान जी ने एज ए मुख्यमंत्री देश के अन्य पार्टी के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध बनाए और वो सरकार की बहुत सारी कमेटियां, ये जो कैबिनेट के अलावा बहुत सारी कमेटियां हैं उनमें वो सदस्य होंगे और वो दूसरे दलों के बीच में समन्वय बनाने का काम करेंगे और वो बहुत अच्छी भूमिका में रहेंगे इस बार। ठीक है, प्रदीप सर आपसे एक रिएक्शन। जी सर, इसी बात पर जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं उस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि जो फग्गन सिंह कुलस्ते वरिष्ठ नेता हैं और काफी अनुभवी हैं, आदिवासी चेहरा भी हैं और पहचान का अभाव नहीं है उनके पास में, देश भर की राजनीति उन्होंने पूरे राष्ट्रीय कैनवास के ऊपर एक अच्छा चेहरा है वो, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो निभा भी सकते हैं। दूसरा, संगठनात्मक क्षमता वाले दो नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद पटेल हैं और कैलाश विजयवर्गीय चेहरा हैं, इन दो में भी बहुत संगठन क्षमता इनकी पार्टी जानती है और इनके कोई सामान्य वर्ग से नहीं हो सकता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या, क्योंकि जो समीकरण साधे जाएंगे तो ठीक है आदिवासी दलित ओबीसी इनको इनके लिए समीकरण साधना जरूरी है, लेकिन सवर्णों की भी तो उम्मीद है, वीडी शर्मा को लेकर भी उम्मीदें लगाई जाती कि वो भी दिल्ली जाएंगे। निश्चित रूप से वह संभावनाओं से तो कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता और पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का जब काम का जो कार्यशैली है जो उनकी, उस पर हम पुराने सारे अध्ययन करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे पहलुओं को विचार करके और फिर किसी निर्णय पर पहुंचती है, तो हो सकता है कि बीडी शर्मा भी कोई एक बड़ी जिम्मेदारी हम के रूप में हम उन्हें देखें, एक नई भूमिका के रूप में देखें। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक है और उससे पहले ही मंत्रियों के उन पोर्टफोलियो का ऐलान हो जाएगा, नजर हमारी भी रहेगी, आप तक सबसे पहले सही जानकारी पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश।